नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वन इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ विशाल मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर सहारनपुर से है, जहां एसएस मेमोरियल पब्लिक स्कूल के छोटे छोटे बच्चों ने आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर तिरंगा यात्रा निकाली। वहीं एसएस मेमोरियल पब्लिक स्कूल के छोटे छोटे बच्चों की तिरंगा रैली को खंड शिक्षा अधिकारी निशा रानी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तिरंगा रैली गांधी चौक जीटी रोड होते हुए कस्बे से सटी फूल कॉलोनी और इंदिरा कॉलोनी में घर घर जाकर तिरंगा के लिए लोगों को जागरूक किया गया। वहीं तिरंगा यात्रा के दौरान छोटे छोटे बच्चों ने देशभक्ति के नारे भी लगाए। अगली खबर फतेहपुर से है, जहां यूपी सरकार के मंत्री संजय निषाद ने मरका में हुए नाव कांड पर बड़ा बयान दिया है। बता दें कि मंत्री ने अपने बयान में कहा कि पिछली सरकार के गलत नीतियों के कारण ये नाव हादसा हुआ है। अगर समय रहते पुल का निर्माण किया गया होता तो किसी की जान नहीं जाती। दरअसल पुल का निर्माण कार्य 11 साल पहले आधा अधूरा छोड़ दिया गया था। साथ ही उन्होंने कहा कि मछुआरा कल्याण कोष के तहत योजना का जो भी लाभ होगा वो मृतक के परिजनों को दिलाया जाएगा। अगली खबर सोनभद्र से है, जहां आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर जिला प्रशासन के आह्वान पर एडिशनल एसपी विनोद कुमार और सदर एसडीएम रमेश कुमार के नेतृत्व में रावर्ट्सगंज नगर में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें सीओ नगर राजकुमार तिवारी और पीएसी के साथ पुलिस बल ने नगर में रूट मार्च किया, जिसके बाद राष्ट्रगान गाकर अमर सेनानियों को याद किया गया। सदर एसडीएम ने कहा कि 75वें वर्षगांठ के अमृत महोत्सव के अवसर पर राष्ट्र भावना से प्रेरित होकर घरों में तिरंगा लगाएं और हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाएं। अगली खबर आगरा से है, जहां आत्मदौला स्मारक की बुर्जी से छलांग लगाते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वही स्मारक की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये युवा स्मारक की बुर्जी पर कैसे पहुंचा। अगली खबर पीलीभीत से है, जहां पुलिस की लापरवाही सामने आई है। दरअसल मामला स्मैक से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जिसमें ग्रामीणों ने स्मैक तस्कर को पकड़कर जमकर पीटा और आरोपियों को पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं पुलिस ने स्मैक के खरीदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बता दें कि ग्रामीणों को स्मैक के कारोबारियों के नाम बताने के बावजूद कारोबारियों को पुलिस ने छोड़ दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये पूरा मामला थाना अमरिया इलाके के सकुटिया गाँव का बताया जा रहा है। अगली खबर हाथरस से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने सर्राफा व्यापारी से हुई लाखों की लूट का खुलासा किया है। वहीं लूट के माल के साथ पुलिस ने 4 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। लुटेरों के कब्जे से पुलिस ने 5 लाख रुपए के आभूषण बरामद किए हैं। बता दें कि 28 दिन पहले सादाबाद कोतवाली क्षेत्र में सर्राफा व्यापारी से बाइक सवार बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था। खबर बुलंदशहर से है, जहां अहमदगढ़ थाना क्षेत्र में स्थित ग्राम नौरंगाबाद में सुबह के समय आर्मी की दौड़ लगाने निकले 18 साल के अनुज नामक युवक को तेज रफ्तार रोडवेज बस ने टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। वहीं हादसे से गुस्साए लोगों ने बदायूं स्टेट हाईवे पर ट्रैक्टर खड़े कर जाम लगा दिया। पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया है। कर रहा था यहाँ पे रामगढ़ चौराहे के पास रोडवेज बस के द्वारा उसका एक्सीडेंट हो गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। ग्रामीणों द्वारा ये बात की रखी गई है कि गाँव में फूल के मैदान होनी चाहिए, जिसमें बच्चे पढ़ सकें। तो जहाँ चौराहे थे वहीं पर जमी थी, एस डी एम साहब के द्वारा उसको चिन्हित कर दिया गया है। आगे भविष्य में हमारे एस डी एम के साहब के द्वारा थाना स्तर पर मृत्यु की जाएगी समस्त ग्राम प्रधानों के साथ, ताकि उस गाँव में जो भी ग्राम सभा की जमीन है जिसमें बात रहते हैं गाँव वाले। खबर शाहजहांपुर से है, जहां कटरा थाना पुलिस ने नकली भगवान बुद्ध की मूर्ति को सोने की बताकर धोखाधड़ी से ठगी करने वाले अंतरजनपदीय गिरोह के 2 शातिर जालसाजों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इनके पास से भगवान बुद्ध की पीतल की मूर्ति बरामद की है।
पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपियों पर पहले से ही कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। थाना कटरा पुलिस को सूचना मिली कि दो अभियुक्त हैं, इनके पास एक मूर्ति है, भगवान बुद्ध की मूर्ति है जो पीतल की है, इसको सोने का बताकर ये लोगों को झांसे में लेकर इसको 8 लाख रुपए में बेचने की तैराक में है। इस सूचना पर पुलिस ने इन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से भगवान बुद्ध की मूर्ति बरामद हुई है। पूछताछ पर इन्होंने बताया कि लोगों को झांसे में लेकर अधिक दामों पर ये पीतल की मूर्ति को सोने का बताकर बेच देते हैं। इसमें एक अभियुक्त है, इसके ऊपर 6 अभियुक्त पंजीकृत हैं, जिसमें नकबजनी के और गैंगस्टर एक्ट भी शामिल। खबर आगरा से है, जहां हर घर तिरंगा और 15 अगस्त को लेकर रेलवे ने सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया है। दरअसल आगरा कैंट रेलवे स्टेशन के साथ कई स्टेशनों पर सुरक्षा बढ़ाई गई है, जहां डॉग स्क्वाड और GRP के साथ RPF ने सघन चेकिंग अभियान चलाया है। वहीं रेलवे प्रशासन CCTV कैमरों से भी संदिग्धों पर नजर रख रही है। पर्व और आगामी 15 अगस्त के मद्देनजर रखते हुए RPF, GRP, डॉग स्क्वाड द्वारा आगरा छावनी स्टेशन पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था लगातार गश्त करवा रहे हैं, यात्री सामान की चेकिंग करवा रहे हैं, जो संदिग्ध व्यक्ति हैं ऊपर थोड़ा सा उनके ऊपर नजर रखी जा रही है। यह अभियान अनवरत सुबह के समय और शाम के समय लगातार जारी है, जो 17 तारीख का अनवरत चलता है। खबर बुलंदशहर से है, जहां थाना क्षेत्र शिकारपुर के ग्राम खंडार में एक किसान के खेत की पैमाइश करने को लेकर चकबंदी कानूनगो और चपरासी का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं वीडियो में कानूनगो और चपरासी रिश्वत लेते नजर आ रहे हैं, जिसके बाद किसान ने भ्रष्ट कानूनगो और चपरासी की ADM से शिकायत की है। अगली खबर गाजीपुर से है, जहां एक बार फिर पुलिस प्रशासन ने माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ एक्शन लिया है। दरअसल पुलिस प्रशासन ने मुख्तार की पत्नी आफसा अंसारी की जमीन को कुर्क कर लिया है। बता दें कि आफसा अंसारी की 6 करोड़ की प्रॉपर्टी को कुर्क कर लिया गया है। गैंगस्टर एक्ट 14A के तहत ये संपत्ति सीज की गई है। जी के जैसे कि आप जानते हो, लगातार माफियाओं के खिलाफ जनपद गाजीपुर में पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। विगत कुछ दिनों में लगभग माफियाओं की 25 करोड़ रुपए की संपत्ति जो है वो जब्तीकरण उसका किया गया है। आज हम लोग रजदेपुर देहाती में हैं और यहाँ पे लगभग 0.4 हेक्टेयर मुख्तार अंसारी की ज़मीन जो है उसको कुर्क ने किया गया है। इसी के साथ साथ आज ग्राम फतेहुल्लापुर में भी लगभग 1.5 हेक्टेयर की ज़मीन, इन दोनों ज़मीनों की कीमत आज की तारीख में लगभग 6 करोड़ 30 लाख रुपए के करीब मार्केट वैल्यू है उसकी। खबर प्रयागराज से है, जहां आज अमृत महोत्सव कार्यक्रम के दौरान रामनगर कस्बे से तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया गया, जहां पूर्व विधायक श्रीमती नीलम उदय भान करवरिया की अगुवाई में ये यात्रा का शुभारंभ किया गया। ये यात्रा रामनगर के चिरैया मोड़ तक चला। इस दौरान हाथों में तिरंगा लेकर के हजारों नौजवान और महिलाओं के साथ बड़े बुजुर्ग ने भी बढ़ चढ़कर इस यात्रा में हिस्सा लिया। पूर्व विधायक ने सभी का आभार जताते हुए लोगों से हर घर पर तिरंगा फहराने की अपील की, साथ ही तिरंगा भी बांटा। खबर सरोवर नगरी नैनीताल से है, जहां हर घर तिरंगा अभियान को लेकर के पूरे जिले में उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं भीमताल विधानसभा के ढोली गांव क्षेत्र में विधायक राम सिंह कैड़ा के नेतृत्व में पैदल यात्रा निकाली गई। कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा में भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए। आजादी के अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा के तहत BJP कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश दिखा। खबर गदरपुर से है, जहां गुलरभोज नगर पंचायत क्षेत्र में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया, जहां तिरंगा यात्रा को सफल बनाने के लिए नगर पंचायत के आह्वान पर क्षेत्र के सभी विद्यालयों के बच्चों ने तिरंगा यात्रा निकाली। इस दौरान मुख्य चौराहे पर 35 फुट ऊंचे स्थान पर तिरंगा स्थापित की गई। इस कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि 15 अगस्त को अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज लगाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।